हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। तो अभी हो चुका है दोपहर के बाद का ये टाइम हो रहा है अभी, तो ब्लॉग में बने रहिए। आज थोड़ा सा अलग मेरा ब्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी दोपहर का जो खाना होता है वो मैं खा रही हूँ। तो मैं बनाई हूँ चावल और छोला बनाई हूँ, चने का छोला बनाई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज बड़ा मज़ा आ रहा है खाने के, बहुत दिनों के बाद नहीं कह सकते हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है खाने में। चावल सब्ज़ी मेरा मतलब बहुत अच्छा लगता है, दाल ना हो और सब्ज़ी चावल या खाओ बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी सा खाना बना था तो मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, ये और एक दो बर्तन है वो धो देती हूँ। उसके बाद अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट, तो आप लोग ब्लॉग में देखना। और मेरे आज भांजे का बर्थडे है तो उसमें भी हमें जाना है। 17 मई को मेरे मतलब भांजे का जन्मदिन होता है 17 मई को, तो ये ब्लॉग है उसी का। तो एक दो बर्तन था वो जो बताई थी मैं धो चुकी हूँ। उसके बाद फिर से मैं हो चुकी हूँ रेडी, शाम हो गया है। ये हम लोग को निकलते निकलते 5 बज ही गया था, तो मैं हो गुल पिंक सूट पहन के रेडी, कुर्ती पहन के रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा सा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है। यहीं पर अभी दिख रही हूँ मैं, तो पर्स में मैं सारा सामान रख लिया हूँ बाबू का, क्योंकि जब बेबी होता है ना तो ऐसे मुझे पर्स लेके चलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ स्लिंग बैग में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ सामान रखने में अच्छा रहता है। तो ये मेरा छोटा, मैं उसको भी तैयार कर चुकी हूँ और ये भी अपने तैयार होके मस्त खेल रहा है। उसके बाद हम सभी लोग निकल चुके हैं, आ गए मैं कपड़े के दुकान में। ये सूट मैं ट्राई करके देख रही थी मेरे पे कैसा लग रहा है, लेकिन ये नहीं ली, एक दूसरा ली हूँ। उसके बाद मैं दिखा दूँगी, लास्ट में दिखा दूँगी। तो मैं हम लोग पहुँच चुके थे दीदी के घर, तो ये मेरा मतलब सब बच्चे हैं, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा अगर, तो यही सब बच्चे थे। तो केक कटने वाली है मेरे, ये मेरा भांजा, ये जो टी शर्ट है ना हम कब मैं ही लेके गई थी, अच्छा सा है, उसको पसंद आया होगा शायद, पहन लिया और वो मतलब यही वाला पहना, उसको अच्छा लगा होगा कहीं, तो या फिर हम लोगों को अच्छा लगे इसके लिए वो पहन लिया हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ अभी केक कटने की बारी है, अभी मेरा जो ऐसे केक काटता नहीं आपको ये सब कैसे नहीं लगे। इस बार हमारी बर्थडे है, वो काटे हो चुका है केक का, सब लोग होने वाले हैं। और मेरा छोटा बाबू उसको देख के, इसमें सबको ताली इतना उसको देख के खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हो रहा है केक कटिंग, केक कट ही चुका है, अब हम सब लोग, मम्मी उसकी केक खिला रही है, मेरी दीदी है सॉरी। तो बहुत अच्छा सा लगा यहाँ पे आके, ये दीजिया जी हैं और उनकी बहन है, सब लोग हैं मेरी मतलब, ये मेरा बाबू। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, तो पता नहीं हवा की भी आवाज़ वीडियो में जा रही हो। तो ये कल का ब्लॉग, कल मॉर्निंग होके स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे, बहुत लेट हो चुकी थी, सोने में बहुत लेट हो गया था। तो ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। ये मेरा बाबू बनियान में बैठा हुआ है, बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने इसको बनियान पहनाया हुआ है। और एक जो मैं सूट ली थी मतलब कुर्ती का सेट लिया था मैंने, वो मैं आप सभी लोगों को दिखा देती हूँ। और पहन के भी मैं चेक की थी, वो पता नहीं मतलब उतना खास मतलब ये नहीं है, हल्के फुल्के है इधर उधर हल्का फुल्का, वैसे पार्टी वेयर टाइप का नहीं है, डेली यूज़ टाइप का है। तो ये भी जब आप बड़े दुकान में लेना कोई चीज़, तो हर एक चीज़ महंगी पड़ती है, छोटे दुकान में कुछ वैसा खास पसंद नहीं आता है, और बड़े दुकान में जाओ तो वहाँ पर सब चीज़ें महंगी ही मिलती है, तो ये सब होता है। और ये उसका पजामा था जो मैं रख दी हूँ, पैंट कहने का मतलब, ये चुन्नी हो गई उसकी। और सूट जो कुर्ता है वो सिंपल सा है, हल्का सा वर्क है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन ठीक है, कलर वलर ठीक है, हल्का लाइट कलर में है।
और उसके बाद ये गले पे थोड़ा सा शीशे का काम है, तो ये देख सकते हैं मैं इसको वेयर कर चुकी हूँ और मुझे ठीक लग रहा है। वैसे डेली यूज़ में मैंने ढीला थोड़ा सूट लिया है क्योंकि थोड़ा ढीला रहे तो ठीक है, अपना से फिटिंग कर लो, और कभी मोटे हो जाओ कभी दुबले हो जाओ तो ये सब में दिक्कत आती है। तो ये रहा मेरा सूट का लुक। अभी फेस मेरा खास अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ये कर लेना। तो ये लुक रहा, तो वीडियो लास्ट करती हूँ यहीं पे। बाय बाय।